मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को कमलानगर थाने की निगरानी बदमाश ने गैंग के दो गुंडों के साथ मिलकर मां बेटे की पिटाई की। आते जाते राहगीरों के साथ भी मारपीट की और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसका वीडियो सामने आया है। घटना शबरी नगर की है। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के 1 घंटे बाद पुलिस आई। कमलानगर इलाके का निगरानी बदमाश कुशाल अपने दो साथी गुंडे विनय मोरे लक्की मोरे के साथ शबरी नगर पहुंचा। रास्ते से गुजर रहे महेंद्र सरकार को बेवजह पीटने लगा। बेटे को पीटता देख मां बचाने आई तो गुंडों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुशाल कमलानगर थाने का निगरानी बदमाश है। विनय मोरे लक्की गुंडा सूची में है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 2 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए हैं। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। झाबुआ जिले के थानला से कांग्रेस विधायक वीर सिंह खुरिया का नल जल योजना में टंकी बना रहे सुपरवाइजर को जूते से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो 5 दिन पुराना गांव कचलदरा का बताया जा रहा है। विधायक पानी की टंकी के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। क्वालिटी को लेकर सुपरवाइजर पर नाराज हुए और आपा खो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। बुधवार को वह दिनभर भोपाल में रहे। उनके दौरे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वह अपना तय कार्यक्रम बदलकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंच गए। गृहमंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों जेपी नड्डा का तिलक कराया। इसके बाद स्मृति चिन्ह भेंट किया। नरोत्तम मिश्रा नड्डा मेहमानों को समोसे खिलाते नजर आए। मध्य प्रदेश में इस साल मई में गर्मी ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भिंड में पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्वालियर नौगांव दमोह और खजुराहो भी खूब तपे। महापौर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 शहरों से उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इंदौर नगर निगम के लिए विधायक संजय शुक्ला उज्जैन से महेश परमार का नाम फाइनल है। परमार अभी तराना विधायक हैं। ग्वालियर नगर निगम से महापौर पद के लिए विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार तो सागर नगर निगम से सुनील निधि जैन को मैदान में उतारा जा रहा है। जबलपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह का नाम फाइनल है। रीवा नगर निगम के लिए अजय मिश्रा का नाम है।